भोपाल में मंगलवार की देर रात लोगों को अचानक गैस त्रासदी की याद हो गई। शहर के अचारपुरा में साल भर से बंद पड़ी फैक्ट्री से अचानक अमोनिया गैस लीक होने लगी तो हड़कंप मच गया। फैक्ट्री के करीब परेवा खेड़ा गांव में रहने वाले लोगों को अचानक घुटन और आंखों में जलन होने लगी। फैक्ट्री से गैस लीक होने की जानकारी जैसे ही सामने आई, आसपास के इलाकों में भी दहशत फैल गई। फौरन प्रशासन को सूचना दी गई। गैस लीक की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और नगर निगम का दस्ता हरकत में आ गया। कलेक्टर समेत तमाम आला अफसर आनंद फानंद में पहुंचे और गांव को खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड का दस्ता भी पहुंचा और फैक्ट्री में जिस टैंक से गैस लीक हो रही थी वहां और आसपास के इलाके में पानी का छिड़काव किया गया। इसके बाद प्रशासन ने अनाउंसमेंट कर लोगों को बताया कि फैक्ट्री से लीक होने वाली गैस जहरीली नहीं है। लोगों को आंख धोने की सलाह दी ताकि जलन कम हो सके। प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक साल भर से बंद पड़ी इस फैक्ट्री में एक वॉल्व खुल गया था जिसके चलते गैस का रिसाव हुआ। फायर फाइटर्स की मदद से इस वाल्व को तत्काल बंद करवाया गया जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में लाई जा सकी। अधिकारियों ने बताया कि BHEL के विशेषज्ञों की मदद से बंद फैक्ट्री में अमोनिया गैस की टैंक को खाली कराया जाएगा ताकि आगे से ऐसी स्थिति फिर ना आए। इधर प्रशासन ने फैक्ट्री के मालिक जावेद खान को नोटिस जारी करने की कार्यवाही भी शुरू करने की बात कही है। बंद फैक्ट्री से गैस लीक होने की वजह के बारे में विशेषज्ञों ने बताया कि ऐसी स्थिति गर्मी के कारण आ जाती है। गर्मी की वजह से अमोनिया गैस का प्रेशर बढ़ जाता है। फैक्ट्री के संचालन के दौरान अमोनिया गैस को पानी में रिलीज कर दिया गया है। चूंकि यह फैक्ट्री साल भर से बंद थी इसलिए पाइप में दबाव बढ़ा था और वाल्व फट गया था, इसलिए टैंक से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ।